तो जोरों शोरों से खत्म हो चुका है आईपीएल 2023। अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं आईपीएल 2024 की। हमने 10 ऐसे बड़े प्लेयर मिस किए आईपीएल 2023 में, जो हमने बहुत सालों से मिस नहीं किए थे शायद, और बड़े प्लेयर थे ये, कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं थे, कोई डोमेस्टिक प्लेयर नहीं थे, इंटरनेशनल प्लेयर जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत मिलियंस में फ़ैन फॉलोइंग होती है जिनकी, ऐसे 10 प्लेयर हम लोगों ने गिने चुने निकाले हैं और ये आईपीएल 2024 में बैक आने वाली है, इसकी 100% गारंटी है। अगर बात करते हैं दोस्तों शुरुआत से, हम लोग बात करेंगे 10 प्लेयर की। सबसे पहले नंबर 1 पर आ जाते हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह चोटिल हैं, हम लोगों को पता ही है, बहुत समय से, लंबे समय से चोटिल चल रहे हैं जसप्रीत बुमराह, और बड़े प्लेयर हैं, मुंबई इंडियंस इनको मिस कर रही है। 2 साल से हम तरस रहे थे कि जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह की हम लोग जोड़ी देखेंगे, शायद अब की बार भी ये नहीं हो पाएगा, शायद जोफ्रा आर्चर को रिलीज करने वाली है मुंबई इंडियंस की टीम, बट हमें जसप्रीत बुमराह के रूप में बड़े प्लेयर सिर्फ आईपीएल में नहीं वर्ल्ड कप में भी इनकी जरूरत है, और आईपीएल 2024 में वापसी करने वाले जसप्रीत बुमराह। अगर दूसरे प्लेयर की बात करें हम लोग, तो दूसरे नंबर पर आ जाते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर भी चोटिल हो गए थे आईपीएल 2023 सिर्फ कुछ दिनों पहले, बट अगर देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आईपीएल 2024 में वापस आने वाले हैं। सिर्फ एक प्लेयर के रूप में नहीं, एक कैप्टन के रूप में भी श्रेयस अय्यर एक अच्छे प्लेयर हैं, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कैप्टनसी करके दिखाई है, और कमजोर कैप्टनसी नहीं, बहुत अच्छी कैप्टनसी करके दिखाई है इन्होंने। अगर नंबर 3 पर बात की जाए तो नंबर 3 पर ऋषभ पंत, एक्सीडेंट से जूझे ऋषभ पंत, अपनी जान, मतलब जान चली गई थी इनकी लगभग, और बचे वहां से, और अब आईपीएल क्रिकेट में हमें वापस करते दिख रहे हैं। हम वर्ल्ड कप में भी कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि आ सकते हैं, अगर वर्ल्ड कप में ऐसे कह रहे हैं कि निशान है कि आ सकते हैं, तो आईपीएल 2024 में क्यों नहीं आ सकते। तो अगर देखा जाए दिल्ली कैपिटल्स के लिए कैप्टन आने वाले हैं वापस, क्योंकि सिर्फ ये प्लेयर ही नहीं, एक जबरदस्त कैप्टन है, कीपर है, और बहुत अच्छे प्लेयर है। अगर चौथे नंबर पर बात की जाए तो पैट कमिंस आने वाले हैं वापस केकेआर के लिए, बहुत अच्छी खुशखबरी है। पिछली बार आईपीएल 2023 की बात कर रहा हूं मैं, इन्होंने एशेज के कारण, एशेज में तैयारी करने के कारण, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, इसके कारण इन्होंने अभी आईपीएल 2023 नहीं खेला, बट आईपीएल 2024 में कंफर्म वापस आने वाले हैं, क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं, आईपीएल में ज़्यादा मिस भी नहीं करते, बट एशेज के कारण, अपने देश के कारण इन्होंने मिस किया। अगर नंबर पाँच की बात की जाए तो जॉनी बेस्टो। जॉनी बेस्टो एक अच्छे प्लेयर हैं, और पिछली बार चोटिल होने के कारण इन्होंने मिस किया था। अगर बात की जाए इनकी टीम की, तो पंजाब किंग्स से आते हैं, और एम शॉट इनके साथ पिछली बार खेले थे पंजाब किंग्स की तरफ से, जॉनी बेस्टो की तरफ से ये खेले थे, और इनके मतलब रिप्लेसमेंट थे। अगर नंबर 6 पर बात की जाए तो स्टीवन स्मिथ आएंगे। स्टीवन स्मिथ ने आईपीएल 2023 मिस किया था, बट अब की बार कन्फर्म है, जिस हिसाब से बिग बैश लीग में शतक लगाया, टेस्ट मैच के अच्छे प्लेयर है, टेस्ट मैच के नहीं T20 के भी अच्छे प्लेयर है, इसलिए हमें देखने को मिलने वाले स्टीवन स्मिथ आईपीएल 2024 के अंदर, और किस टीम से देखेंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से बताना। अगर बात की जाए तो सातवें प्लेयर की, सातवें नंबर पर आ जाते हैं क्रिस गेल। क्रिस गेल ने एक बयान में ये दर्शा दिया कि आईपीएल 2024 में वापस आने वाले, कंफर्म है मेरे हिसाब से तो 100% क्रिस गेल को बोली लगते हुए देखने वाले हो आप आईपीएल 2024 के ऑक्शन में, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैंने अभी तक ऑफिशियल रिटायरमेंट नहीं लिया है, और मैंने क्रिकेट नहीं छोड़ा है अभी तक, और इन्होंने कहा था कि मैं इंटरनेशनल तो नहीं, लेकिन शायद छोटी मोटी लीग खेल सकता हूँ, या आईपीएल छोटी मोटी लीग तो नहीं है, बट अगर देखा जाए तो इन्होंने साइन दिया कि वह लीग खेल सकते हैं, तो अगर ये देखा जाए तो गुड न्यूज़ है आरसीबी के लिए, क्योंकि आरसीबी खरीद सकती है इनको। उसके बाद 8वें नंबर पर आ जाते हैं एलेक्स हेल्स। एलेक्स हेल्स तकड़े प्लेयर हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, और शायद इनकी कमी खलती है टीम आईपीएल को, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, ऐसे वैसे बड़े प्लेयर्स के ही आईपीएल चलता है, और ऐसे ही बड़े प्लेयर आते हैं, इसलिए तो आईपीएल का एक नाम है। अगर बात की जाए तो 9वें नंबर पर विल जैक्स, अगर आपने देखा हो तो SC20 लीग में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई थी, और उसके कारण इनके एक क्रेज बन गया था आईपीएल के अंदर कि इनको चाहिए, इनको प्लेयर फैन बन गए थे इनके शुरू से ही आईपीएल के अंदर आरसीबी के, बट वह नहीं आ पाए, उनकी जगह एम ब्रेसवेल आए, और इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई ब्रेसवेल ने। अभी भी टीम के पास मौका होगा आरसीबी के पास, या तो वह विल जैक्स को खिलाएं या एम ब्रेसवेल को, आप कमेंट करके बताना कि कौन से प्लेयर को खिलाना चाहिए, विल जैक्स और एम ब्रेसवेल, इनके पास 2 ऑप्शन हैं। अगर 10वें नंबर पर बात की जाए तो 10वें नंबर पर आ जाते हैं मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क हर बार माना जाता है कि वापस आएंगे आईपीएल में, बट अब की बार कह रहे हैं सोर्सेज कुछ कि आ सकता है, क्योंकि एशिज नहीं आएगी बीच में, अब की बार तो एशिज आ गए थे, और इनका आना कंफर्म माना जा रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं मिचेल स्टार्क आए, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दो, क्योंकि अगर आप लोग क्रिकेट फैन हो और आपके फ्रेंड्स के तक ये वीडियो ना पहुंची तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।